एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, जिन्होंने बड़ी मेहनत मकसद से ये अंबेडकर भवन तैयार किया था। जिस समय ये अंबेडकर भवन तैयार हो रहा था तो यहाँ पूंजीपति लोगों ने कहा कि हे अंबेडकर, आप इस तरीके से चंदा इकट्ठा करके इस अंबेडकर भवन को बना रहे हैं, नहीं इसको हम बनवा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, जो पैसा खून पसीने का लगेगा उसमें मेरे समाज का भला होगा, अगर मैं आप लोगों का अगर पैसा इसमें लगवाता हूँ तो उसमें आप लोगों का नाम होगा। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है डॉक्टर गुलशन, जो MBBS MD हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर गुलशन प्रकाश जी, आपका SM न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने MBBS किया, आपने बहुत मेहनत की, साइंस साइड से पढ़े, फिर आपने MBBS किया, लेकिन आपको बाबा साहब के बारे में और बाबा साहब को इतिहास पढ़ाने में आपका किसका योगदान रहा? आज मैं जो डॉक्टर बना हूँ, बाबा साहब अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था, मैं अनुसूचित वर्ग का प्रार्थी था, बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण के कारण ही मैं MBBS में दाखिला ले पाया। अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद मेरा दाखिला उस दौर में डॉक्टरी में नहीं होता। जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर को जानने का सवाल है कि शायद अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के चेहरे से परिचित ना हो। शायद विचारधारा से कुछ लोग हो सकते हैं जो परिचित ना हो, लेकिन चेहरे से लगभग सभी व्यक्ति परिचित हैं। तो बाबा साहब का जो एक मूल मंत्र है, जो तीन मूल मंत्र दिए थे कि शिक्षा लो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये सभी मंच पर इस तरीके की बात करते हैं, आपका क्या मानना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मेरे समाज के 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर और 10 एडवोकेट 10 इंजीनियर 10 डॉक्टर 10 एडवोकेट पढ़ लिख कर समाज के बीच में जाएंगे और विचारधारा का प्रचार करेंगे तो हमारे समाज में जागृति आएगी। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए अब जो मैं डॉक्टर बना हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि जो मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का फायदा मुझे दिया है, जिसके कारण आज मैं डॉक्टर बना हूँ, एक लाख से ऊपर तनख्वाह ले रहा हूँ, तो मैं गांव-गांव जाऊँ, अपने लोगों को जगाऊँ और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विचारधारा है और जो उन्होंने दलित समाज को, बैकवर्ड समाज को जो फायदे दिए हैं, उनके बारे में लोगों को बताऊं, ताकि लोगों में जागृति आए। डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग बात कहते हैं कि हम नौकरी में आ गए तो हमें खतरा है, हमारे साथ हमारा अफसर इस तरीके से कुछ हमें वो मीमो दे देगा या नोटिस दे देगा, क्या अभी तक की सर्विस में आपको इस तरीके का कोई हानि या लाभ हुआ है? जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें लिख रखा है कि हम जो भी कार्य करें उसको संवैधानिक तरीके से किए। हमने बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत से MLO के पुतले तक भी फूके हैं, मुख्यमंत्री तक के पुतले फूके हैं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और आज तक का जो हमारा संघर्ष है उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ कि सरकार, क्योंकि हमने जो भी किया है वो संवैधानिक तरीके से किया है, संविधान की मर्यादा में रहकर काम किए हैं। हमने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिलवाए हैं उनकी प्राप्ति के लिए सरकार से सड़कों पर भी संघर्ष किया है, यूनिवर्सिटियों में भी संघर्ष किया है, जिसका हमारे समाज को काफ़ी फायदा हुआ है। मैं बात करूं जिस मेडिकल कॉलेज की, जिससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है, हमारे इससे अभी पीछे 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस सरकार का राज रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उस समय में एक नारा बड़ा प्रचलित था कि हरियाणा नंबर वन। मैं बताना चाहूँगा आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जनता को कि 2011-12 तक मेडिकल कॉलेज रोहतक में, जो हरियाणा का इकलौता मेडिकल कॉलेज था, उसमें हड्डियों का पहला डॉक्टर 2012 में लगता है। ये हरियाणा में नंबर वन की स्थिति है। ये जो युवा वर्ग है, आप उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवा वर्ग को बताना चाहता हूं कि अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर, जो संघर्ष का रास्ता है संवैधानिक रूप में, अगर हम संघर्ष करेंगे, सरकारों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं वो सरकार को
देने चाहिए। जब सरकार नहीं देगी तो हमारे सामने संघर्ष के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता है। हमारी युवा पीढ़ी को मेरा संदेश है कि वो डरे ना, किसी से घबराए नहीं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाए लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं में, जो कानून का, क्योंकि हम उस बाबा साहेब अम्बेडकर के वंशज हैं जिन्होंने संविधान लिखा है, जो संविधान में धाराएं हैं हमें उनका पालन करते हुए सरकार के सामने संघर्ष के माध्यम से, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातें रखनी चाहिए। धन्यवाद। अभी डॉक्टर गुलशन प्रकाश जी ने बताया, अगर बाबा साहब का रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाता, तो उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से बताया कि लोग काम करने में जी चुराते हैं और तरह तरह के आरोप लगाते हैं, यदि हम काम करेंगे तो हमें हमारा जो अफसर मीमो दे देगा और वो दे देगा। और डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और अच्छी बताई, यदि हम संविधान के तहत अपनी मांग करते हैं, और यहाँ तक कि बताया कि मैंने MLO का पुतला फूका और मुख्यमंत्री का पुतला फूका, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ये काम करा है।